इस हत्या के आरोपी में दो आरोपी पकड़े अपन। इसी घटना ऐसी है कि मंडे के दिन सुबह 9:30 बजे स्टेशन मास्टर से कॉल आया कि वह सनपाड़ा के वासी के दरम्यान एक जख्मी इंसान पड़ा है, उसको देखने के लिए स्टाफ से हम वहाँ हाजिर हुए। प्रथम वहाँ बॉडी देखने के बाद, वहाँ घटनास्थल पर बॉडी देखने के बाद लगा कि इसको अज्ञात इंसान ने अज्ञात कारण से उसको मारा है और वो उसमें घायल जख्मी होकर उसको डेड हुआ है। इसलिए हम वहाँ पे गवर्नमेंट सरकार तरफ हमने पुलिस स्टेशन में तुरंत FIR दर्ज की। इसकी मालूमत वरिष्ठ हमारे CP साहब, DC साहब और SC साहब को मालूमत दी, उन्होंने दिए गाइडेंस के तौर पे आगे की इन्वेस्टिगेशन चालू किया। उसमें से हम वासी रेलवे पुलिस स्टेशन के अधिकारी और स्टाफ और मुंबई लोह मार्ग पुलिस के क्राइम ब्रांच उनका असुरक्षित और अपने लोखंडे API लोखंडे वो स्टाफ के हाजिर हुए। दोनों का जॉइंट ऑपरेशन किया। जॉइंट ऑपरेशन करते हुए तब उसके पहला हमारे पास चैलेंज था कि ये जो अननोन बॉडी है इसके नातेवाईक कौन है। इसके नातेवाईक का शोध लगाया हमने पुलिस स्टेशन में था तुरंत, और उसके बाद उसके नातेवाईक की जो मालूमत मिली तो उसके बाद उसके जो उसको जो मारा है उसके जो एक्यूज है इसके एक्यूज हमने क्राइम ब्रांच में और हमने ताबे में ले, वो जिन्होंने किया है उसकी खातिरी करने के बाद उसको अरेस्ट किया है। इस महीने में अभी वो एक्यूज अपने पास अरेस्ट है, इन्वेस्टिगेशन चालू है। सदर गुने का जो इन्वेस्टिगेशन किया है वो 48 तास नॉनस्टॉप स्टाफ ने वर्क करके उसको गुना डिटेक्ट किया है। दो आरोपी है इसमें, वो दो लिए वाले हिरासत में और अपने ताबे में है, उनके ऑफिशियल में है। ये कारण इनका है कि ये सभी एक दूसरे के दोस्त है और मिलजुल कर कभी करते थे और बैठे मिलते थे। मिलने के बाद इनके दोनों तीनों में आपस में चश्मा मस्तरी करते हुए और बातें करते में झगड़ा हुआ। झगड़े का उपरस बन के ये इन्होंने ये सब खान किया है उन्होंने। अभी वो तो इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगा, अब ये नहीं होता, लेकिन वो जब घूमते होते तो बातों में इन्होंने ये किया है। और उनका क्या था कि एक जो आरोपी है अपना सागर करतमल जो है उसको ये मोहित ईसम ने 2 साल पहले मारा था, तो वो सागर करतमल बोला कि इसने मुझे मारा था, मुझे इसका गुस्सा आता था। और दूसरा जो है अपने पास शेख आरोपी है तो ईसम है, तो उसको भी इन्होंने ये डाउट था, इन्होंने दोनों का राग था इसके ऊपर और इसको पूछते हुए अपन एक दिन इसको अच्छा सा सबक सिखाएंगे ऐसे बोलते उनके दिमाग में था, इसके उसके से ये क्राइम हुआ है।